जैन दोस्तों, ये महादेव डेयरी है करनाल में। अमित जी हैं, रमन जी हैं, भाई हैं जो इसका संचालन करते हैं। पहली बार आज हम आए हैं, आप भी देखना समझना। दूसरे क्षेत्रों को तो बहुत ज्ञान रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का जो है, तो अभी गाय में कैसी बात करते हैं ये हम भी देखेंगे, आप भी देखना। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अमित। अमित। हाँ जी, कितना बड़े हो? ग्रेजुएट। ग्रेजुएट। शादी होगी? हाँ, शादी होगी, दो बच्चे हैं। ये गाय ये गाय पहली बार कितने की, की बेचते हो? ये पहली बार की अंकल जी। बेचो कितनी? ये 80,000 रुपये दूध? दूध तो दे देगी, 35 लीटर 30 लीटर के बीच में। 80,000 में? हाँ, पहली बार की। तो आजकल तो रेट तेज है। नहीं ठीक है, रेट अस्सी हजार में दे दो। अस्सी हजार 75 में? नहीं, 1-2 हजार कम कर लेंगे। कोई नहीं, 75 में दो। न 75 में लेंगे, 1-2 हजार कम कर एक लेंगे। हजार, 1-2 हजार, 3 हजार हो गया। तो 1,000 हमारे कम से कम करो, 85 कर दो। कोई नहीं, पचहत्तर कर लेंगे, पचहत्तर हो गया। पचहत्तर कोई नहीं, कर लेंगे। 74 में कर दो। ना 74 में नहीं करेंगे, 75 में करो। 75 में करेंगे। देगी 35 लीटर? 30 से 35 लीटर या खाली बातें? ना 30 से 35 लीटर क्या देंगे। गारंटी? बढ़िया ब्रीड की अंकल जी, डेनमार्क की है। नहीं, जिस ऑन मिल्किंग करवा के दोगे? नहीं, मिल्किंग करा के दे देंगे। कितना समय है देने? अभी कम से कम 20-25 दिन है। 20-25 दिन? हाँ, कोई ध्यान देना, रुकी रहेगी तो मिल्किंग करवा देंगे, मिल्किंग करवा दो। मिल्किंग करवा देंगे। पैसे लोगे? पैसे लेंगे 70,000? 75 हजार। 75,000? हाँ, 75 हजार। ये दूसरे नंबर पे आ रही। दूसरे नंबर पे आ रही। साहिवाल के पास से स्मेल कम आती है, वहां बैठ जाओ तो। देसी गाय है अंकल जी, स्मेल नहीं आती, कम आती है। क्या कारण है? बस देसी और जो ये फॉरेन की ब्रीड है इसमें फर्क है थोड़ा सा। कुछ पीछे तर्क कुछ तो होगा, रीजन तो होगा ना? ये एक्चुअली साइलेज खाती है और खाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो साइलेज नहीं खाती। वो साइलेज कम खाती है, वो तो हरा घास। कितने साल से कर रहे हो? हम लोगों का तो बहुत पुराना काम है, 50-60 साल से काम है। कहते गुप्ता लोगों का पैसा बहुत है। हाँ होता है, पैसा बहुत होता है, सबसे ज्यादा है, बहुत होता है जी इनके पास। तुम्हारे पास? नहीं, हमारे पास तो ठीक ठाक है। नहीं, हमको करनाल में बताया, कहते सबसे अमीर है ये करनाल के। पता नहीं किसने बता दिया आपको, क्या बताया, मुझे तो नहीं पता ना। ठीक ठाक है ये, दूसरे नंबर पे घुमाई है। हाँ, दूसरे कितने दूध वाली है ये? ये भी 30 लीटर वाली है। ये पैसा पुश्तैनी है, गाय में कमाया? नहीं, पुश्तैनी भी है, गाय में भी है। ज्यादा गाय में ठीक कमाया? है, काम ठीक। पहले कोई और काम था? नहीं, यही काम है स्टार्टिंग से। तुम्हारे होश में यही है? यही है। दोनों भाई? दोनों भाई। वो कितना पढ़ा है? वो भी ग्रेजुएट है। वो ग्रेजुएट है, तुम भी ग्रेजुएट? मैं भी ग्रेजुएट हूँ। शादियां हो गई? कितना मिला दहेज में? दहेज नहीं मिला। नहीं मिला? ना लिया नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बनियों का दहेज ना मिले। ना अंकल जी, हमने नहीं लिया। तो ये गाय कितना दूध देने वाली ये है? 30 लीटर दूध। 30 लीटर? 30 लीटर। कितने बेचोगे? ये 85,000 रुपये। पहले भी 85 की बोल रहे थे, फिर 75 बोल दिया? नहीं, वो 75 की दे देंगे, ये 85 की देंगे। ये 75 की नहीं? ना, ये दूसरी बार की है। वो कौन सी ब्याज की थी? वो पहली बार की थी। तो पहली बार तो और महंगी होती है। नहीं, बस वो ठीक आई हुई है, जैसी आती है ना किसान के यहाँ। कितना समय उसका ब्याने का? उसका 25 दिन है। इसका? इसका भी 25 दिन। अब 25 दिन में क्या फीडिंग क्या करोगे? फीडिंग कुछ साइलेज तो चल ही रहा है, ट्रांजिशन फीड चलेगा, बस वो ऑर्डर तैयार हो जाएगा उससे बढ़िया। क्या खर्चा पड़ जाता है ये 1 महीने का? 1 महीने का 5,000 रुपये पड़ जाता है एक गाय का? एक गाय। अब मिल्किंग जब करवा के दोगे तो 5,000 बीच में जोड़ोगे? जोड़ना पड़ेगा ना, लागत तो आएगी। आज का रेट मैंने आपको बताया। तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम लोग तो कास्ट है ना ये। नहीं, तो सारा जोड़ लेते, कहते जो टोपियां ओपियां पेन खर्चा सब जोड़ लेते। गायें तो खाएगी ना जी। अच्छा अच्छा हाँ, वो खर्चा तो जो लगेगा, आज का रेट 85,000 है तो 1 महीने बाद 90,000 हो जाएगा। कितनी ब्रीड है? ब्रीड फुल ब्रीड की है। क्या पहचान होती है ब्रीड की? ब्रीड की छोटे कान, कलर, जो प्रिंट है, बॉडी शेप पता लग जाता है, फेस कटिंग सब चीज। ब्रीड और कम ब्रीड का फायदा नुकसान क्या है? कम ब्रीड थोड़े दिन तक दूध देती है, थोड़ा जो मिल्क देने टाइम मार जाएगी, टाइम मार जाएगी। ये लंबा टाइम दूध देगी, कंसीविंग जल्दी रहेगी, अगला बच्चा जल्दी तैयार होगा। उसमें क्रॉस में, क्रॉस में थोड़ा कम दूध देगी और कंसीव भी थोड़ा लेट हो जाती है। जो आवारा घूम रही है तो ज्यादातर क्रॉस ही है? क्रॉस ही है ज्यादातर, अच्छी गायें कोई भी नहीं छोड़ता आवारा। ये कितने दूध वाली है? ये भी 30 लीटर वाली गाय है। 30 लीटर वाली? हाँ जी। तो दाम? दाम 80,000 रुपये। ब्याह? ब्याह दूसरा।
छह दांत है। कितना समय बाकी इसका? इसका भी एक महीना बाकी है। एक महीना 30 लीटर दे देगी? 30 लीटर। आज जितनी भी गायें हैं ना वो 25-30 लीटर के बीच की गायें। एक बात और बताओ, तुमसे कोई खरीद के ले गया तो फिर वहां जाके 30 की मिल्किंग करवा दो? वो तो अगले के जो अगला लेके जा रहा है, जो भी किसान लेके जा रहा है वो उस तरह की सेवा करेगा, हमसे पूछेगा, बता देना उसको, हम उसको फीड का पूरा मैनेजमेंट देते हैं उसको। फिर 30 निकाले? हाँ निकाल देगी, मिल्किंग करवा दो। अच्छा फीड देगा तो निकालेगी, जरूर निकालेगी। कितनी गाय बेचते हो साल में? एक महीने में? एक महीने में, एक महीने में बिक जाती है 100 से ऊपर गाय। पड़ोस में कितनी जाती है? कहाँ उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, सब जगह जाती है, ऑल इंडिया। कितनी दिखा सकते हो? जितनी आपको लोग डर के मारे दिखाते नहीं। नहीं दिखा देंगे, हम तो दिखा देंगे, क्यों वहाँ बेईमानी की होती, वहाँ पकड़ के बांध देते हैं। नहीं हम लोगों का ऐसा काम नहीं है, पुराने बैठे हैं ना। कहते तुम लोग घमंडी बहुत हो, तुमको हमने इस किताब ली कि तुमको फंक्शन में बुलाया, तुम आए नहीं? नहीं आए थे, तुम थोड़ा आए हो? आए थे, ब्रदर को भेजा। ब्रदर आया? तुम तो नहीं आए? नहीं मुझे उस दिन फोन तो तुमसे बात हुई। नहीं मुझसे, मेरे को ही आना था, लेकिन नहीं, अगर ब्रदर को तुम आते तो हम तुमको को मान सम्मान करते। नहीं जरूर करते जी, जरूर आपका बड़ा। तो अब ये गाय कितने की है? ये 80,000। 80,000? तुम जो बोल दिया बोल दिया। नहीं मान सम्मान कर दे 70 में? नहीं 70 में नहीं, 1,000-2,000 का मान सम्मान होता है, वो करेंगे सब। कोई भी किसान दूर से आते हैं, मान सम्मान करना पड़ता है उसका, करेंगे। तुमको मालूम है गरीबी क्या होती है? पता है गरीबी क्या होती है? तुमने तो पैसे करोड़ों पे देखे। नहीं गरीबी देखी है, ऐसा नहीं है गरीबी। वो तुम्हारी जीवन संग ने कितना पढ़ी? वो भी ग्रेजुएट है। वो भी ग्रेजुएट है, मतलब कोई बीएड की हुई। मान सम्मान पूरा है? हाँ मान। तुम्हारा घर? हमारा भी पूरा। वो अपनी एजुकेशन का घमंड तो नहीं? नहीं घरेलू है। ससुराल वाले क्या करते हैं? मेरे ससुराल वाले, उनका कपड़े का बिजनेस। तो दूध भेज देते हो? दूध उनके पास खुद भी अच्छे पशु हैं। ये अगली आ गई। हाँ तो इसके ब्रीड में क्या बोलोगे? इसके ब्रीड के लिए? ब्रीड के लिए क्या? कितने ब्रीड है? ब्रीड फुल ब्रीड में? फुल ब्रीड में। डेनमार्क की है, सेकंड ब्याप की है। अच्छा जो क्रॉस है तो उससे ब्रीड पैदा हो सकती है? क्रॉस से 2-3 बार में बदल सकती है ब्रीड। 3 बार? हाँ 3 बार में बढ़िया ब्रीड बन जाएगी क्रॉस से। हमसे कल कोई डॉक्टर बता रहे थे, वो कहते कि हम HF को, साईवाल को, जर्सी और ये सब नहीं करना चाहिए। वो बैक क्रॉस हो जाती है, वो नहीं करना चाहिए। ये HF, तो गलत कर रहे हैं। HF को HF लगाओ, फिर और ज्यादा प्योरिटी कर लो, जो है उसको वही रखो। हाँ उसको वही रखो। तो मानते हैं बात? मानते हैं। ये कितने दूध वाली है? ये 25 से ऊपर वाली है। 25 से ऊपर वाली? 50 और 25 वाली अगर है तो फीड में क्या फर्क होगा? फीड डबल हो जाएगी एक तो। अच्छा मेंटेनेंस काफी चेंज हो जाती है एनिमल की, रहन सहन उसका, वही उसको टेम्परेचर भी उसके हिसाब से देना होगा। जैसे अब तो सर्दियों का सीजन चालू हो गया, अब तो दिक्कत नहीं है, गर्मियों में थोड़ी दिक्कत आती है। अच्छा हाँ फोगर वोगर की व्यवस्था करनी। ज्यादा परेशान करती है दूध वाली? परेशान करती है। 25 लीटर और 50 लीटर तो में ज्यादा बीमारी आती है, साईवाल में नहीं आती? साईवाल में नहीं आती। क्या कारण है? दूध तो वो भी 20 लीटर दे देती? 20 लीटर नहीं देती वो, 15-16-17 लीटर 18 लीटर तक जाती है। 12 लीटर 25 देखा मैंने। क्या होता है पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती अंकल जी, बहुत सारी ब्रीड है जो एक गाय 25 लीटर दूध देगी तो सभी तो 25 नहीं देगी ना। ये कितना बताया दूध? ये 25 से ऊपर देगी। 25 से ऊपर? क्या दाम होगा इसका? इसके 70,000। 70,000? कभी कंट्रोवर्सी भी हो जाती है? किस चीज की? जैसे कोई गाय ले गया फिर आगे जा करके कुछ ये ऐसे हो गया, ये बच्चा गिरा गई, ये करा गई, तो क्या जवाब देते हो? देखो हमारी सब खरीदी हुई होती है। हाँ हमारी खुद की ब्रीड तो तैयार नहीं हुई, ये सब खरीदी हुई है। हम भी किसान से लाते हैं लेकिन उसको कोऑपरेट करते हैं हम लोग, अगर कोई दिक्कत करते हैं। हाँ कोऑपरेट करते हैं। अच्छा कोऑपरेशन जरूरी है, अगर उसके साथ कुछ हो रहा है तो अच्छा, उसको थोड़ा कोऑपरेट। ये कैसे अंदाजा लगाते हो ये खरीदने वाला सही है या फ्रॉडी है? वो भी तो एक से एक है, पकड़ लेते हो? पकड़ लेते हैं। किसान की? किसान अलग ही पहचान आ जाती है। पहचान कमजोर है, हड्डियां दिखाई दे रही, थोड़ी सेवा कम है। सेवा कम है। कितने दूध वाली है? 30 लीटर से ऊपर वाली दूध देने वाली। दूध ब्यांत? ब्यांत दूसरा, शरीर से थोड़ी सी किसान ने सेवा कम की। कम की है? तो क्या दाम की है ये? ये 80,000 रुपए। दूसरे ब्याज? दूसरे ब्याज 70 में?
मान सम्मान 1000-2000 का, तुम कितने की लाए? ये अंकल जी 75 की आई, नहीं इतने की आई, 65 की लाए वो, नहीं 75 की आई वो, एक यहाँ से महाराष्ट्र का ले गया खरीद करके हमारे करनाल से, तो वो बाद में शिकायत करने लगा, कहता कि तुमने जो गाय भेजी उसमें एक बच्चा फेंक दिया, वो कहता बच्चा फेंक दिया मेरा, इसमें बताओ क्या कसूर है, वो कहता जो तुमने दूसरी दी थी वो तुमने 7 महीने की प्रेग्नेंट बोला था, वो 4 महीने की है, तो कहता फिर उसमें ऐसा करते हैं तुमको एक बच्ची और दे देते हैं उसको भी रखे रखो, नहीं नहीं हमको तो पैसे दो, तो कहता हम तुमको भेज देंगे, कहता कब भेजोगे, कहता जब हमारे पास गाड़ी लोड होगी, कहता हम सारे महाराष्ट्र में पूछते घूमे तुम्हारी गाड़ी कब आएगी, इसका मतलब है कि धौंस दिखा रहे हो व्यापार में, धौंस की रहा, अगर आप प्यार से निपटा रहा है, बछिया दे रहा है फ्री, तुमको बछिया फ्री दे रहा है वो, अब वो बछिया भी कम से कम जर्सी बछिया जो है अगर देगा तो बछिया तो कम से कम कुछ पैसे की है, कुछ वैल्यू है, वो भी गाय नहीं मांग रहा, तुमको 3 महीने का जो तुम डिफरेंस बता रहे हो वो उतने में बछिया दे रहा है, आखिर मामले को प्यार से भी निपटा, प्यार से निपटा, वो कहता कहता कि हम पूरे महाराष्ट्र में घूमेंगे पूछेंगे कि भाई तुम्हारी वो गाय कब आ रही है, कहता तुम एक बार बताओ हमको डरा रहे हो या वो कर रहे हो, तुम जो मर्जी कलम नहीं देते, वो क्या हुआ, उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो उनसे पूछना था कि कब आपकी गाड़ी आ रही है और उसमें डाल देना, हमने ना अपनी संस्था में हर जगह पर एक कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने के लिए एक 3 मेंबरी कमेटी बनाई, अच्छा तुमको हम यहाँ प्रधान बना दें, इस मसले को कैसे निपटाओगे, जब वो 3 महीने की या 4 महीने की बच्ची उसको फ्री दे रहा है तो जाहिर है कि भाई ठीक है, वो बेचने वाला ठीक बेस्ट सोल्यूशन, हाँ वो बेस्ट सोल्यूशन है, और जो खरीदने वाला है वो अपनी दोस्त दिखा रहा है, वो कहता है मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा, मैं अखबार में खबर लगाऊंगा, तो वो तो गलत है, इसका मंशा गलत है, हाँ वो उसकी मंशा गलत है, क्या इसके कौन सा बॉडी स्ट्रक्चर बता रहा है कि ब्रीड में, कान बता रहे, कान बता रहे, अच्छा बॉडी शेप बता रही, पहली बार की है, 4 दांत है, अच्छी ब्रीड में है, दूध दूध दे देगी 25 लीटर, कब तक ब्याएगी, ब्याजेगी 10 दिन में 8 दिन में, इसकी माँ का पता है, माँ का ठीक है रिकॉर्ड 35-36 लीटर का था, तो ये दाम क्या होगा इसका, ये 75,000 पहली ब्याज में, 75,000 25 से ऊपर दे देगी, 25 तो दे ही देगी, 75,000 मिल्किंग करवा के, इतना तो मिल्किंग करवा बढ़ाओगे तो नहीं, नहीं बढ़ाएंगे, 70 कर दो, क्योंकि ये तो 7-8-10 दिन में बच्चा दे देगी, 70 में दे दो, 72-73 में दे देंगे, 70-71 में क्या होता है, कोई नहीं, मान सम्मान कर दें, 70 से कम भी कर दो, नहीं 70 से उससे कम नहीं करो, नहीं वहीं हट जाओगे, नहीं उतना ही करेंगे, ये अगली आ गई, हाँ, क्रॉस में है, क्रॉस में है, कितनी, 70-75% है, क्या दाम की है, ये 65,000 रुपए की, 65,000 दूसरी बार की है, दूसरी बार आएगी, दूध दूध फर्स्ट में 22 लीटर दिया, 24-25 दे देगी आराम से, तो 65 की, 65 की, 60 में कर दो, मान सम्मान कर देंगे 64-63 में, 60 में नहीं हो, 62 में कर भी दो, 60 में हो जाएगी, ले जाना भाई दे देगा, अच्छा बात सुनो, वो चीचड़ से कितनी बीमारियां हो जाती है, बहुत सारी होती है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार लीडर तो नहीं है, है? नहीं मेरा कोई रिश्तेदार, भ्रष्ट अधिकारी है, नहीं ऐसा नहीं है, तो कहते जो चीचड़ से ज्यादा वो लोग खून पी जाते हैं, लोग पी जाते हैं, गरीबों का खूब खून पीते हैं, किसानों का चीचड़ भी उतना ही पीता, किसानों का भी खूब चीचड़ भी उतना ही पीता, हाँ पी जाता है, तो चीचड़ों की बात तो कर दी, तो तुम तो बहुत देर से काम कर रहे हो, हाँ जी, कितनी तरह की बीमारी हो जाती है उससे, काफी हो जाती है, जैसे फैलेसिस हो जाता है, खून की बीमारी, जान चली जाती, उसमें खून को पतला कर देता है, अच्छा। जो बुखार आता है ना, हाँ। वो खून की जो हार्डनेस है उसको पतला कर देता है, खत्म कर देता है, खत्म उसमें जो रेड रक्त कण है, हाँ, खत्म वो कम कर देता है, खत्म ही कर देता है, खत्म कर देता है, तो उसमें जब इंजेक्शन लगाते हैं, हाँ। अगर सही उपचार ना हो उसका, सही ट्रीटमेंट ना हो, टाइम पे ट्रीटमेंट ना हो, तो जान जाए, तो डेयरी का फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही है, चीचड़, हाँ चीचड़, हाँ एक एक दो कारण हो रहा है, मस्टाइटिस है, चीचड़ है, ये दो, उसी से मस्टाइटिस भी हो जाता है, मस्टाइटिस उसकी वजह से नहीं होता, अच्छा। मस्टाइटिस होता है गंदगी से, या फिर जो गलत फीड खाएंगे, फीड भी गलत होता है, तो उसकी वजह से भी आजकल हो जाएगा, आजकल फीड में जो मिक्सिंग आ रही है, लोकल ब्रांड है, हाँ तो उनकी वजह से जो गंदा फफूंदी लगा हुआ अनाज वो पीसते हैं उसमें, उसकी वजह से भी थले, ये थले, जो इनकी जो फीड फैक्ट्रियां हैं, अभी हमने पीछे 5-6 वीडियो डाली, अच्छा अपलोड की, तो जितनी सड़ी हुई मक्का थी, हाँ। सब फीड फैक्ट्रियों में गई,
वो कहते हैं। मैंने उससे पूछा भाई मैं तो ये तुम इनको क्यों दे रहे हो, कहते इनकी कौन सी जुबान है, मैं कहता तेरे बच्चों को दूध देती है, कहता उनका कर्म है, मैं तुम्हारा कर्म बेईमानी करना, कहता ऐसे लोगों की फितरत है, तुम्हारी भी अपनी फितरत है, सोचिए कभी कमाई बहुत है, लगा के देख लो ऐसी कमाई, गाय से ज्यादा कमाई, ना ना गांव से वह ठीक है, कान से तो बताता है कि ब्रीड कम है, पीठ और वो ऑर्डर बताता है ब्रीड की तरफ जा रहा है, ऐसा ही है जी, ये डबल क्रॉस में आ गई ना जी, अच्छा तो ये मिक्सचर लग रही है कि भाई इसमें ब्रीड भी लगती है पुट्ठे से, कितने दूध वाली है तो 25 प्लस की है, अच्छा कब तक बेगी ये, 10 दिन में बच्चा दे देगी, 10 दिन में, 10 दिन नॉर्मल है सीमन, हाँ सेक्सुअल है, नहीं नॉर्मल है, तो क्या दाम की है ये, 70,000 रुपए, दूध कितना बताया, 25 प्लस, 70,000 में, 70,000 मिल्किंग करवा के, मिल्किंग करवा के, 65 में भी कर दोगे, नहीं मान सम्मान करेंगे, 2,000 तो कम करो, 1-2,000 कम कर देंगे, कोई बात नहीं, अच्छा 10 दिन बाद कोई बच्चा देके, हाँ, अगर कोई आता है और ये खड़ी रहती है हमारे पास, बिक्री नहीं होती है, हाँ, तो इसको मिल्किंग करवा के देंगे, अच्छा तो जिनको गाय बेचते हो, हाँ, उनसे बाद में भी रابطہ करते हो, कुछ करते रहते हैं फोनों पे बातचीत, हाँ कहते व्यापारी मतलब भी होते हैं, बात ही नहीं करते, नहीं हमारे पास फोन आते हैं तो उठाते हैं, बात करते हैं सबसे, किससे बात करवा दो, हमें जरा बात करवा देता हूँ, जाकर वो, हेलो हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हैं आप, श्रीनिवास पंत लिख के आ रहा, हाँ, जी जी, क्या करते हैं काम, हेलो क्या काम करते हैं आप, मैं डेयरी फार्मिंग का करता हूँ, कितना पढ़े हैं, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन, अरे क्या बात, कौन सब्जेक्ट रहा, मास कम्युनिकेशन, अच्छा मास कम्युनिकेशन, तो पत्रकार नहीं बने, नहीं पत्रकार भी साथ में हूँ, अच्छा ये कैसा आदमी है अभी, नहीं ये तो ठीक है, ये तो इनके साथ तो मेरा टेली कम्युनिकेशन रहा है, लेकिन इन्होंने मुझे फुल्ली सेटिस्फाई किया, ये अभी आपको सिखा रहा था कि ऐसे बोल देना ऐसे बोल देना, ना 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 बात देखो सिखाने वाली बात नहीं, बात ये है कि ये इनको पता है, हाँ, कि जब मैंने पहली गाय इनसे ली थी, हाँ, ना तो ये मुझे जानते थे ना मैं इनको जानता था, लेकिन जो इन्होंने बोला था वो सारी चीजें मिली मुझे, अच्छा वैसे निकला, हाँ वो चीज निकली, अभी लेटेस्ट कब ले गए, ये लेटेस्ट हो गया मेरे को अभी यही 3 महीने से, तो कितना दूध दे रही है, हेलो दूध कितना दे रही है गाय, वो जो ये वाली आई थी इसपे इन्होंने 27 बोला था, उसपे मेरे को 25 उसने मेरे यहाँ ओके किया है, दे रही है, जब स्टार्टिंग में आई थी तो 22 थी, नहीं तो अब मैं आऊँ तो मिल्किंग करवा दोगे, हाँ है, इसमें कुछ ऐसी कोई रली मिली बात तो नहीं है, नहीं नहीं ऐसा है ना देखिए, हाँ, अगर मुझे वो बेचने का प्रपोज हो तो मैं बोलूंगा कि मैं बढ़ाऊं या कम करूं, मैं तो अब यूटिलाइज खुद के लिए कर रहा हूं, तो मुझे जो मिला मुझे लगा कि मेरा पैसा ठीक है वो शुरू हो गया, आपकी बात पे इनका विश्वास बनना, अब ये देख लो, नहीं नहीं बिल्कुल खरे आदमी है सबसे, अच्छा इनके साथ एक और चीज है, बाकी हाँ, लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता है, अगर हाँ, इन्होंने वो रेट अगर उसको फिक्स कर दिया ना तो ये 1,000 रुपए भी कम नहीं करते, ये अच्छा? भैया देख, हाँ, हमसे भी 3 महीने बाद वीडियो बनवाते हैं 3 साल के बाद में, नहीं तो उसमें 30 बार कहते हैं पैसे कम कर लो, नहीं नहीं ये कहते हैं अगर मेरी चीज गलत निकलेगी तो तुम फ्री वापस दे दो, तो ये कुछ आपको दिया हुआ पैसे उससे कुछ बात करने के लिए, नहीं मेरे वापस करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, भगवान की दया से, नहीं नहीं इसने कुछ तारीफ करने के पैसे दिए आपको कुछ, तारीफ की क्यों जरूरत पड़ेगी, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ ये जो जैसे दे रहे हो ऐसी कंटिन्यूटी देते रहे बस, पत्रकार बहुत वही है। पत्रकार बहुत जेन्युइन होते हैं, सोनों के पक्के होते हैं, नहीं 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 वो सर ऐसा है ना देखिए बच्चे पाल रहे हैं हम, है ना, और अगर चीज जब हम भी अगर 50-65,000 रुपए कहीं पे लगाते हैं वो चीज उतनी निकल जाती है, अच्छा इनके प्लस पॉइंट ये भी है ना मेडिकली भी ये हेल्प करते हैं, कब आए आपका हमने फार्म की वीडियो बनाने के लिए, कब आए सर आप जब कहे, लेकिन आप 15 दिसंबर के बाद, हाँ 15 के बाद ही आएंगे, अभी नहीं सर, जी जी 15 के बाद ही आएंगे जी, तो तैयारी रखना को सर, सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, नहीं नहीं मुझे भी बहुत अच्छा लगा, देखने में भी अच्छे आदमी बस सर, जैसे बातें अच्छी है, सोच अच्छी है सर, अच्छा ठीक है धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, ये अगला जोड़ा आ गया, काली, दोनों काली, काली जी को तो बहुत अच्छी होती है, काली गाय को तो काली, हाँ अच्छी होती है काली गाय, क्रॉस में है कुछ, क्रॉस में है दोनों, दोनों ही, दोनों कितनी क्रॉस है, 50-50% कितने दूध वाली, 18-20 लीटर वाली,
दोनों दोनों कितने का देते हो जी? 1,20,000 18 लीटर वाला 1,20,000 का क्रॉस की गाय है ना, दूध कम देती है क्रॉस की, तो 1,20 कम बता रहे हो, 1,20,000 1,15 का देते 18-20 वाली है ये? हाँ जी 90,000 दे दो, 1,10 का देते 1,10 तो बहुत ज्यादा है। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई, किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।